जब हम किसी एक वेबसाइट के डेटा को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसे हम आरएसएस फीड के थ्रू करते हैं। आरएसएस फीड एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी और वेबसाइट के डेटा को अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करा सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आरएसएस फीड को इंटीग्रेट करते हैं एंड किसी और वेबसाइट के डेटा को अपने वेबसाइट में डिस्प्ले कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका रूपटॉक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। तो आरएसएस फीड को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने से पहले जिस भी कैटेगरी के डेटा को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सबसे पहले उस डेटा के आरएसएस फीड का यूआरएल आपको फाइंड करना है। सो यूआरएल कैसे हम फाइंड करते हैं? यूआरएल फाइंड करने के लिए हमें जाना होगा गूगल पे। जैसे हम यहाँ पर आएंगे गूगल पे एंड यहाँ पर हमें क्रिकेट न्यूज़ के आरएसएस फीड को डिस्प्ले करानी है। सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे क्रिकेट न्यूज़ आरएसएस फीड। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो क्रिकेट न्यूज़ के आरएसएस फीड प्रोवाइड करती है। सबसे पहला यहाँ पर वेबसाइट है ESPN की, सो हम इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा हम और एक कैटेगरी के डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे जो होगी बॉलीवुड न्यूज़ की। सो हम गूगल पे आएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे बॉलीवुड न्यूज़ आरएसएस फीड। तो हमको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी यहाँ पर जो आरएसएस फीड प्रोवाइड करती है। यहाँ पर सबसे पहला है bollywoodhangama.com, तो ये भी हमें आरएसएस फीड प्रोवाइड कर रही है। इस वेबसाइट को भी हम एक अलग टैब में ओपन कर लिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी बॉलीवुड न्यूज़ के आरएसएस फीड। ये रहा बहुत सारे आरएसएस फीड जिसे हम कॉपी करके यूज़ करेंगे एंड इस वेबसाइट से हमें मिल जाएगी क्रिकेट न्यूज़ के आरएसएस फीड। सो यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ फीड जो है इसके बगल में ऑल कंट्रीज ऑल स्टोरीज है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक XML का कोड आपको दिख रही है और इस कोड का URL जो यहाँ पर है ये URL है आरएसएस फीड का URL। सो जैसे हमें आरएसएस फीड का URL मिल गई, अब हमें जाना होगा अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है। सो उसके लिए जाएंगे हम प्लगइन वाले सेक्शन में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो प्लगइन हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है आरएसएस फीड रिट्रीवर। सो ये रहा प्लगइन, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करनी है एंड एक्टिवेट करनी है। ऑलरेडी मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है, सो हम यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद अब इस प्लगइन को हमें यूज़ कैसे करना है? सो यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए हमें एक शॉर्ट कोड मिलेगी। इस शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद इस शॉर्ट कोड को हम यूज़ करेंगे आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को फैच करने के लिए। अब ये जो शॉर्ट कोड है इसे हम पेस्ट करेंगे उस प्लेस पे जिस प्लेस पे हम आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, चाहे आप विजिट्स में इसे डिस्प्ले कराएं या फिर किसी पेज में डिस्प्ले कराएं। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक पेज में डिस्प्ले कराएंगे। सो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जिसका नाम हमने न्यूज़ दिया है। सो हम यहाँ से ऑल पेजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर न्यूज़ वाले पेज को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब यहाँ पर हमें वो शॉर्ट कोड पेस्ट करनी है। सो हम यहाँ पर एक शॉर्ट कोड का ब्लॉक ले लेंगे एंड जो कोड हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब इस शॉर्ट कोड में आपको कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है? जैसे यहाँ से हम जाएंगे क्रिकेट न्यूज़ के आरएसएस फीड के यूआरएल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए आपको इस शॉर्ट कोड में एक यूआरएल प्रॉपर्टी मिल रही है जहाँ पर एक यूआरएल दिया हुआ है। इस यूआरएल को आपको यहाँ से चेंज कर देनी है अपना आरएसएस फीड के यूआरएल से और इसे यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में एंड यहाँ पर हम न्यूज़ वाले पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर आरएसएस फीड के थ्रू डेटा आना शुरू हो गई, लेकिन देखिए अभी हमारे वेबसाइट में 10 ही न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर आइटम जो है वो 10 है। अगर हम आइटम को यहाँ से 15 कर देते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम अपडेट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमारे वेबसाइट में 15 न्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सो इस तरह से हम न्यूज़ के आइटम को भी बढ़ा सकते हैं। हम और भी चाहें तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे थंबनेल का साइज यहाँ पर 200 है, इसे हम अगर 100 कर देते हैं एंड यहाँ पर अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर थंबनेल का साइज जो है वो स्मॉल हो गई। सो इस तरह से हम अपने इस शॉर्ट कोड में चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर और आरएसएस फीड को हमें ऐड करनी है तो उसे हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर क्रिकेट न्यूज़ के तो आरएसएस फीड हमने ऐड कर ली, अब बॉलीवुड न्यूज़ के आरएसएस फीड को हम ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक ब्लॉक ले लेते हैं, हेडिंग ब्लॉक, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉलीवुड न्यूज़। देन यहाँ पर हम एक शॉर्ट कोड लेंगे, फिर से शॉर्ट कोड का ब्लॉक, और ये जो शॉर्ट कोड है सेम इसी शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें बॉलीवुड न्यूज़ का आरएसएस फीड का यूआरएल चाहिए। सो हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर जो यूआरएल है इस यूआरएल को हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद देखिए हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे।
रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर टॉप में आपको क्रिकेट का न्यूज़ डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ से बॉलीवुड का न्यूज़ डिस्प्ले होना शुरू हो गया। सो इस तरह से दोस्तों हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल कैटेगरी के आरएसएस फीड को यूज कर सकते हैं एंड डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब सपोज कोई यूजर जब हमारी वेबसाइट में आते हैं और आरएसएस फीड के थ्रू जो भी डेटा हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले हो रही है, इसमें से वो किसी न्यूज को रीड करना चाहते हैं। सो जैसे ही वो किसी भी न्यूज पे क्लिक करेंगे तो उस न्यूज के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से वो अपने उस कंप्लीट न्यूज को रीड कर सकते हैं। सो इस तरह से दोस्तों हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आरएसएस फीड के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराते हैं एंड आरएसएस फीड को यूज करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।